हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास टेन साइंस है चैप्टर थ्री, जो आपका धातु एवं अधातु है, ठीक है, उसके पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका धातु एवं अधातु जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और चैप्टर टू आपका अम्ल क्षार एवं लवण उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को देखना, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, फिर आपको ये चैप्टर देखना है, ठीक है, क्योंकि पहले और दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप पहला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फिर आप दूसरे चैप्टर का, फिर आपको धातु एवं अधातु चैप्टर को देखना है, ठीक है। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सबसे पहले हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, देखो एंटीमनी है, जो एंटीमनी है वो क्या है। ए ऑप्शन है आपका धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु एंड आपका डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है, आई होप कि आपको पता होगा। जब मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा रहा था उपधातु, तो आप लोगों को मैंने बताया था एग्जाम्पल एंटीमनी, ठीक है। तो जो एंटीमनी है वो क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु, ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान है। तो आपसे कोई भी पूछे कि एंटीमनी है तो आपको बताना है उपधातु, ठीक है, क्या बताना है, उपधातु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू आप लोग देख सकते हो, ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलती हैं या निकालती हैं। ऑप्शन ए आपका है कॉपर, बी ऑप्शन है आपका आयरन या लोहा, सी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम या जस्ता, दोनों हैं साथ में, एंड डी ऑप्शन है सोडियम एंड आपका हाइफन कैल्शियम। तो अब आप लोगों को सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ जो है, सॉरी, जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सोडियम एंड कैल्शियम। क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, समझ में आया, सोडियम होगा और कैल्शियम होगा। बहुत आसान है, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर थ्री का। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यहां आपके चार धातु लिखे हुए हैं और इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है या कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है Pt एंड सी ऑप्शन है Cu एंड डी ऑप्शन है Hg। तो अब आप लोग बताओ कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करता है, तो आपका जो मैग्नीशियम है ये बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम जो है Mg, ये आपका जो है धातु में से अम्ल को आसानी से विस्थापित कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ए नंबर आपका ग्रीस लगाकर, वी नंबर आपका है जिंक की परत चढ़ाकर, सी नंबर है आपका पेंट लगाकर, डी नंबर ऑप्शन है ए सभी। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, तो अब आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आई होप कि आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा वो है जिंक की परत चढ़ाकर। क्या है, जिंक की परत चढ़ाकर, एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ देखो परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, जो परावर्तनी भट्टी है उसका उपयोग होता है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन ए है प्रागलन में, वी ऑप्शन है वर्जन में, सी ऑप्शन है निस्तापन में एंड डी ऑप्शन है बेसेमरीकरण में, ठीक है, यानी कि बेसेमरीकरण में, ठीक है। तो आप लोग बताओ इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। परावर्तनी भट्टी की बात की जा रही है, तो परावर्तनी भट्टी जो है वो निस्तापन में उपयोग में आता है, निस्तापन की क्रिया में, ठीक है, अभी आपको पता चलेगा ये निस्तापन में आपको उपयोग होता है। तो ये अगर आप फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
ये चैप्टर का, ठीक है। और आप लोगों को जो दो चैप्टर आगे पढ़ा दिए गए हैं, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, उसे नहीं देखा है तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना, फिर इस चैप्टर को देखना, क्योंकि वो दोनों चैप्टर जब आप समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कह रहा है जो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं, नाम क्या है, आयनिक, ठीक है, आयनिक यौगिक, ठीक है, चलो अभी मैं आपको समझाता हूं। जो आयनिक यौगिक के गलनांक बहुत उच्च होते हैं क्योंकि इनके मध्य जो है उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो इनके अंतरा आणविक आकर्षक बल हैं ये बहुत आपके सटीक में रहते हैं और इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा किसकी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो इसीलिए जो इनका गलनांक है ये उच्च होता है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, गलनांक मतलब गलने की प्रक्रिया। अब जो जितना कठोर होगा उतना देर में गलेगा, तो इसीलिए इनका जो गलनांक है उच्च होता है क्योंकि इनके मध्य जो है अंतरा आणविक आकर्षक बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपका है पहला प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे चैप्टर्स आप देखते आओ जितना चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहां आपका क्वेश्चन नंबर टू देखो, यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू की कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये है कि कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम तथा सूत्र भी लिखना है। तो कापर के जो दो प्रमुख अयस्क हैं वो फर्स्ट आप लोग समझो, फर्स्ट आपका है सल्फाइड अयस्क, क्या है, सल्फाइड अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क। तो ये आप लोगों को समझ में आया, सल्फाइड अयस्क, और इसका भी हमें उदाहरण लिखना है। और सेकंड नंबर हमारा है ऑक्साइड अयस्क, तो बहुत आसान है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क, तो बहुत आसान है ना, दोनों आपको नाम हो गया इनके अयस्क, लेकिन इसके आपको के नाम भी लिखना है और सूत्र भी लिखना है। तो यहां पहले आप लोग इनका देखो, इनका जो सल्फाइड अयस्क है फिर ऑक्साइड अयस्क का। तो सल्फाइड अयस्क का जो उदाहरण है वो है कॉपर ग्लन्स, यह है जो आप लोगों का कॉपर, एक एक बताता हूं, ठीक है, ग्लन्स। और इनका जो सूत्र भी आपको लिखना है वो होता है Cu2S। देखो S जुड़ा है सल्फाइड, सल्फाइड में या जो सल्फाइड है उसमें S जुड़ा है, S मतलब सल्फाइड होता है, और इसमें ऑक्साइड में O जुड़ा रहेगा। जैसे यहां आपका है क्यूपराइट, क्या है, क्यूपराइट, और क्यूपराइट का जो सूत्र होता है वो होता है Cu2O, जहां यस जुड़ा था वहां ओ जुड़ गया, क्योंकि ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड ओ से होता है, सल्फाइड एस से होता है। यही है कापर के दो प्रमुख अयस्क तथा उनके सूत्र भी, नाम भी, सारी चीजें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहां लिख देता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ देखो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहा जो होता है, लोहे में जंग लग जाता है, सभी को पता है, सभी भाई गांव से रिलेटेड हैं, काफी लोग शहरों से होंगे तो भी जानते होंगे कि जो लोहा है लोहा में जंग लगता है, तो लोहा जो है लोहे में जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। उत्तर देखो, लोहे के जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नोत हैं। पहला, लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, सभी लोग देखते हो कि लोहे पर हम लोग पेंट लगा देते हैं, कोई दरवाजा लगा है लोहे का तो उस पर हम लोग पेंट लगा देते हैं कि हाँ आपका देखने भी में भी अच्छा लगे और वैसे उसका फायदा भी हो कि जंग लगने से बच जाएगा। दूसरा, यसलेपन करके, यसलेपन का मतलब होता है यसलेपन करके, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, एक होता है जस्ते की परत चढ़ाकर, उसे यसलेपन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप दो प्रकार से बचा सकते हो, एक तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, पहला है लोहे पर आपके तो पेंट चढ़ा दो या फिर ग्रीस लगा दो, ग्रीस, ठीक है, और दूसरा आप यसलेपन करके भी इसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, यसलेपन भी समझ में आ गया और लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर यह भी समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर याद रखना, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले आपको समझना कैसे है, देखो जो आप लोगों का है कापर की छड़, कापर की छड़ जो आपका है उसका जो आप लोगों का है को AgNO3
एजी यनो 3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। देखो जो आपका कापर है, कापर की छड़ को जब आप एजी एनओ 3 में डालोगे, ठीक है, अब जब उसमें आप लोग उस विलयन में इसको डालते हो तो फिर कैसे आपको बताना है कि इसका रंग बदल जाता है यानी कि नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपको समझाना है। देखो समझना यह है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों के उसके विलयन में से विस्थापित कर सकता है, जिससे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है उसके जितने भी नीचे तत्व हैं, जैसे अभी मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा अभी समझ में आएगा, जैसे आपका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, समझाते हैं आपको, विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये, ठीक है, अब यहाँ आपका एच है बीच में, अब इसके ऊपर यानी कि जो इनके नीचे तत्व होंगे, इनके नीचे जैसे यच के नीचे, यच के नीचे जो तत्व हैं वो यच को विस्थापित नहीं कर सकते, लेकिन जो यच के ऊपर तत्व हैं वो यच को विस्थापित कर सकते हैं, मतलब कि जो उनके ऊपर होंगे, जैसे आपका एच से ऊपर जितने भी चीजें हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी धातु हैं, वो यच को विस्थापित कर सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर सकते। लाइक एज यहां वही बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व जो है अपने से नीचे स्थित विलयन में से जो उनके विलयन में से विस्थापित कर सकता है, जैसे Cu का स्थान Ag से ऊपर है, अब Cu का जो स्थान है Ag से ऊपर है, कापर का मतलब होता है Cu की छड़, यानी कि कापर की छड़, यानी कि कापर का जो है Cu का जो स्थान है Ag, यानी कि AgNO3 यानी कि Ag केवल लिया गया है, तो Ag से क्या है, ऊपर है, Ag से अगर ऊपर है तो Ag को Cu विस्थापित कर सकता है, क्योंकि Cu ऊपर है और Ag नीचे है, तो Cu जब ऊपर है तो फिर वो विस्थापित कर सकता है ना आसानी से। तो फिर मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखना, जैसे आपका कापर की छड़ है उसका आपका Cu लिख दो, ठीक है, Cu फॉर्मूला है, अब AgNO3 में डाला गया तो ये आपका सॉलिड है, ठीक है, छड़ है, तो इसे आप Ag यानी कि Ag और ब्रैकेट में आप लिख दो NO3, इसी विलयन में तो डालना है ना, देख लो AgNO3 में, तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ आप 2AgNO3 कर दो, ठीक है, 2AgNO3, अब यहाँ जो Cu है, Cu जो आपका है इस पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस आपका जो 2NO3 पर आपका 1 माइनस चार्ज हो जाएगा, प्लस 2Ag ये नीचे की तरफ, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, रिएक्शन। तो यहां समझो, यहां Cu तो आपका ऐसा है, लेकिन यहां जो Ag और NO3 है, यहां Ag और NO3 क्या हो गया, अलग अलग हो गया, क्या हो गया, अलग अलग, NO3 अलग और Ag अलग, तो फिर आपका इससे आपका ये बन गया, तो ये बन गया, तो इस प्रकार क्या होता है, समझना आपको सही से, इस प्रकार जो विलयन है, विलयन में क्या मिल गया, क्यूप्रिक, क्या मिल गया, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक आपका मिल गया, क्या मिल गया, क्यूप्रिक आयन विद्यमान है, ये सब आयन है जो प्लस चार्ज लगे में, आयन विद्यमान है, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, विद्यमान होने से जो विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, जो विलयन है आपका, विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, नीला हो जाएगा या जाता है, कुछ भी लिख दो, जाएगा, बस यही आपको समझना है। तो ये हमारा पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा रिएक्शन को आपको ध्यान से समझना था और आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो यहां आप लोगों का ये पहला लघु उत्तरीय प्रश्न था, अब हम लोग दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दूसरा आपको समझाना है कि वर्जन को उदाहरण सहित समझाइए, जो आपका वर्जन होता है, वर्जन को उदाहरण सहित समझाना है। तो वर्जन में क्या है, देखो आप लोगों को वर्जन का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखो जो सांद्रित अयस्क है, जिस अयस्क का सांद्रण हो चुका है, तो वर्जन को उदाहरण सहित आपको समझाना है, ऐसे पूछ सकता है, या वर्जन क्या है समीकरण भी दीजिए, समीकरण भी देना है। तो यहाँ आप लोगों को जो सांद्रित अयस्क है, जिसका सांद्रण हो चुका है, को अकेले आप ले सकते हो, या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ भी आप मिला करके, किसी अन्य पदार्थ के साथ भी आप मिला सकते हो, तो मिला करके उसके गलनांक से नीचे, जितना उसका गलनांक है उससे नीचे, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को वर्जन कहा जाता है।
ठीक है, समझना यह है कि जो सांद्रत अयस्क है उसको आप अकेले ले सकते हो या फिर अन्य पदार्थ के साथ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको गर्म तो करना है, मतलब मिलाकर उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति यानी कि वायु की नियंत्रित उपस्थिति में गर्म करना ही आपका भर्जन कहलाता है। नोट पॉइंट आपको समझना है। देखो मैंने आपको दो प्रकार का अयस्क बताया था, लेकिन यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क के लिए आप भर्जन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपका जो एग्जाम्पल होगा भर्जन का, ठीक है, आपको नोट पॉइंट समझना है। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब सल्फाइड अयस्क का मतलब जैसे आप लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जो आप लोगों का एग्जाम्पल है जैसे आपका ZN है, 2ZnS, अब S लग गया तो आपका ये सल्फाइड अयस्क है, अगर यहाँ O लगा होता तो क्या हो जाता, ऑक्साइड अयस्क। तो इसमें आपको 3O2 से अभिक्रिया करना है। जैसे ही आप लोग 3O2 से अभिक्रिया करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट जो आपका मिलेगा, यहाँ देखो ZN कितना है, 2 है ना, तो यहाँ आपको 2ZN लिखना है। जैसे ही आप 2ZN लिखोगे, आपका यहाँ O आपका 6 है, बट यहाँ आपका 2 एडजस्ट हो जाएगा, 2ZN आपका यहाँ हो गया, ठीक है, एंड 2O हो गया। अब यहाँ आपको 2 एंड S आपका कितना है, 2 S एंड O 2, ठीक है। यहाँ से आपका 2 एंड 2 4 आपका ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ आपका 3 × 6 ऑक्सीजन। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये भर्जन का है, ठीक है। और भर्जन का आपको नोट पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, और आपका जो परिभाषा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होता है वो क्या है, और हाइड्रोजन से अधिक, जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। ऐसे आपको एक एक धातु का नाम भी लिखना है, तो सभी चीजें आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है जो धातु की सक्रियता श्रेणी होती है वो क्या होती है, और इसी को आप एक और नाम कह सकते हो, उसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यही इसी का नाम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी, दोनों आपका एक ही है, चाहे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो या ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मैं आपको समझाता हूं कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है या विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता, फिर घटते घटते बीच में कम क्रियाशीलता, फिर सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशीलता वाली, अभिक्रियाशीलता वाली पदार्थ रहेंगे या धातु रहेंगे, ठीक है। तो उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह आपका पूरा क्या है, परिभाषा है, क्या है, परिभाषा है कि आपका जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विकर्ण में लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिन्हें सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यह आपका श्रेणी है। सबसे पहले आप देखो के आपका पहला जो है के, वो आपका पोटेशियम है, एन आपका सोडियम है, सी आपका कैल्शियम है, एंड आपका MG मैग्नीशियम है, AL आपका एल्यूमिनियम है, ZN आपका क्या है, जिंक है, Fe यानी कि लोहा है, Pb आपकी लेड है, H मतलब हाइड्रोजन। अब इससे नीचे देखो Cu कॉपर है, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब आपका है सिल्वर, एंड Eu मतलब गोल्ड या सोना। तो ये आपका है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इन्हें जो है कैसे रखा गया, सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, बीच में और कम, और नीचे सबसे कम, यानी कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू फिगर मैं आपको एक ऐसा बताता हूं कैसे। देखो यहाँ आपको एक लाइन खींचना है और मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, एक भी आपका पॉइंट रह नहीं जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, लास्ट में आना है और एक तीर लगा देना है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। अब मैं आपको लिख कर समझा दूंगा। सबसे पहले आपको बगल में लिखना है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रिया करने में सबसे ज्यादा, सबसे क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील ये लिख देना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख देना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा जो सबसे ऊपर होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है। फिर आपको बीच में क्या लिखना है, घटती अभिक्रियाशीलता, घटती अभिक्रियाशीलता, ठीक है, घटती
अभिक्रियाशीलता, सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ठीक है, अभिक्रियाशीलता। क्योंकि भाई आपको मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, केवल आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को केवल मेहनत करना है, थोड़ा सा 2 महीना आपको मेहनत करना है जम के, जितना आपके पास ताकत है पूरा लगा दो बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर यहाँ सबसे कम अभिक्रियाशीलता क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता ये है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता। देखो अगर आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ लेते हो तो फिर केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और रह जाएगा, फिर मैं आपको उसको भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। सबसे कम अभिक्रियाशीलता, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। लेकिन इनका अनुप्रयोग भी है आपकी बोर्ड एग्जाम, या उपयोग या अनुप्रयोग कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने समझा दिया, फिर ये आपकी पूरी श्रेणी है जो कि ऐसे लिखा हुआ है, सारी चीजें आप याद कर लो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर मैं आपको इनका अनुप्रयोग समझा देता हूँ, जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। आपको मैं बता दूं, देखो अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, जैसे मुझे पता चल गया कि के सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, फिर Na, फिर कैल्शियम, फिर Mg यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबसे कम आपका Au यानी कि गोल्ड का है, ठीक है। तो ऐसे मुझे पता चल गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं के द्वारा, जो धातुएं हैं, धातुओं द्वारा अम्लों को विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। जैसे आप लोगों का अगर अम्ल यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित करना है, Ag जो है, Au हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है, और यही अगर Zn जो है, Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेगा क्योंकि Zn जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। बस ये सारी चीजें आपको मिलती है जानकारी जो इसमें आपकी सक्रियता श्रेणी में, ठीक है। ये आपका है लॉन्ग क्वेश्चन पहला, और मैं आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को खुद से करना होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देता हूं आप लोगों को, जो आप लोगों को खुद से करना होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, खुद से करना है, घर पर आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम दो, खुद से पढ़ो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपका जो मन बहुत ज़्यादा लगने लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ मिश्र धातु किसे कहते हैं, भाई मिश्र धातु को मैंने पढ़ाया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, और इसका आंसर आप लोगों को लिखना है घर पर, प्रैक्टिस करना है। और जो कापर होता है, कापर के दो प्रमुख धातुओं के नाम, जो धातु होते हैं, धातुओं का नाम, संगठन, जो आपका संगठन होता है, संगठन, एंड व उपयोग लिखिए, ये आपको लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करना, वैसे आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, आपकी गाइड में दिया हुआ है, सारी चीजों में, केवल आपको मेहनत करना है। मेहनत अगर आज आप कर लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप खुद मोटिवेट रहोगे अंदर से कि सर ने मुझे सब पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, ठीक है। तो आज का ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना क्वेश्चंस बताया गया है उन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेना, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया गया है उन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लेना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। लेकिन आप लोग अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2 नहीं देखा तो देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिर आपको चैप्टर 3 ये वाला देखना है। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।